नमस्कार, स्वागत है आप सबका। तो पिछले क्लास में हमने कबीर के दोहे इस काव्य भाग को प्रारंभ किया था। कुल 5 दोहे मैंने समाप्त किए थे और उसमें से अभी और 5 दोहे जो है, अर्थात टोटल 10 दोहों में से 5 समाप्त हो गए। बाकी बचे 5 में आज हम आगे के 3 देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट दोहा क्या कहता है कबीरदास जी, यहाँ पे कहना चाहते हैं, बहुत दीनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसई तुझ मिलन को मनी नहीं विश्राम। तो यहाँ पे कबीरदास कह रहे हैं एक तरह से मैं दीन व्यक्ति, दीन यानी कि भिक्षुक की तरह तुम्हारी राह देख रहा हूं, तुम्हारी राह देखते हुए खड़ा हूं। और आगे बढ़कर कह रहे हैं जीव तरसाए, अर्थात मेरे जीव अर्थात मेरा मन तरस रहा है, मेरी आत्मा तरस रही है और मैं चाहता हूं तुमसे मिलूं, तुझे मिलन को, मेरा जीव तरस रहा है तुम्हें मिलने के लिए और मन में मेरे कहीं विश्राम नहीं है। मैं व्याकुल हो गया हूं। जब व्याकुलता अधिक बढ़ती है तब मन में कोई भी आपके विश्राम करने के भाव नहीं होते। व्याकुलता इस तरह से आपके अंदर एक तरह से परिस्थिति डाल देता है कि आप एक जगह बैठते नहीं, ठीक से सोते नहीं, ठीक से खाते नहीं, हमेशा आप उस व्याकुलता में घूमते रहते हैं, इधर उधर चिंताएं करते रहते हैं। उसी तरह का भाव यहाँ पे कबीरदास को हुआ है, क्योंकि उन्होंने राम को मिलने की आस लगाए बैठे, उनको राम की मिलने की इच्छा है और उसी इच्छा को प्रकट करते हुए उन्होंने इस दोहे का रचन किया हुआ है। और यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे के दोहे में देखिए, जहां दया तह धर्म है, जहां लोभ तह पाप, जहां क्रोध तह काल है, जहां क्षमा तह आप। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं जहां दया दिखती है किसी मनुष्य में, समझ लो उस मनुष्य में धर्म है, धर्म की स्थापना हो गई है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति में ही दया का गुण दिखता है जिसने भगवान के प्रति विश्वास है, आस्था है, सच्चे भक्ति है, वो बड़े बुजुर्गों की इज्जत करता है, छोटों को प्यार करता है, ऐसा ही व्यक्ति दया दिखाता है। जिसमें ये सभी भावनाएं नहीं है, जिसमें भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, ऐसा व्यक्ति एक तरह से अधर्मी व्यक्ति होता है, अधर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति होता है। आगे बढ़कर कह रहे हैं कि जहां लोभ है तहां पाप। लोभ यानी कि अतीव इच्छा, किसी पर भी, जो किसी विषय पर हो या किसी वस्तु पर हो, किसी चाहत पर हो, जो अतीव इच्छा आप प्रकट करते हैं उसे हम लोभ कहते हैं। जो पाने के काबिल नहीं है उसको पाने की इच्छा करना। कुछ लोग आप देखे होंगे पौराणिक ग्रंथों में, पौराणिक जो सन्निवेश आते हैं जिसमें राक्षस लोग हमेशा अमरत्व पाने के लिए या कभी मृत्यु ना पाने की इच्छा से तपस्या किया करते थे और उस तपस्या के बल होते पर जब देव प्रकट होकर उनको आशीर्वाद देना चाहते उस वक्त कहते थे तुम्हारी ये अति इच्छा है जो हम पूर्ण नहीं कर सकते। क्योंकि मनुष्य हो या राक्षस हो, जिसको एक बार जन्म लिया है उसको मृत्यु होना ही है, मौत आनी है। केवल देवता है जो अमर रह सकते हैं, लेकिन राक्षस और मनुष्य का अंत होना ही है। इसलिए वहां पे उस अमृत का भाव जो है वो अति इच्छा कहलाती है। यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कलयुग में भी बहुत से लोग ऐसे भावनाएं दिखाते हैं कि मैं कभी मिट नहीं सकता, कभी मैं मर नहीं सकता, लेकिन उनकी मृत्यु ऐसी होती है कि सब लोग अफसोस जाहिर करते हैं। कितने बड़े ताकतवर व्यक्ति भी सीधे से एक क्षण में मर जाते हैं। और यहाँ पे आगे बढ़कर देखें, जहां क्रोध तहां काल है, क्रोध के कारण एक तरह से किसी के कहे गलत कहने पर हो या किसी के बहकाने पर हो आप जो गुस्सा करते हैं वो क्रोध ही आपका काल बन जाता है।
बहुत से लोगों को मैंने देखा है मारपीट शुरुआत तो खुद करते हैं लेकिन अंत में उन्हीं की दुर्गति हो जाती है, फिर मौत हो जाती है। मारपीट के द्वारा वो शुरुआत करने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। काफी सारे ऐसे डाकू लुटेरे हो या जो हम कहते हैं रउड़ीस वो भी हो, जो बेंगलोर के इस इलाके में रह रहे हैं, मुंबई के इलाके में रह रहे हैं, उनका एक ही रवैया है, क्योंकि उनके क्रोध ने ही उनका अंत कर लिया। उनका क्रोध जो चरण सीमा पर पहुंचता है उस वक्त कोई ना कोई उनका विरोधी हो या पुलिस कर्मचारी हो उनकी हत्या कर देता है, अर्थात उनका काल ही उनका क्रोध है या उनका क्रोध ही उनका काल है। और जहां सीमा, यहां पे मैं कहूंगा कि सीमा यानी कि शर्म या एक तरह से समर्पण भाव जहां पे है वहां पे सही रूप का एक मनुष्य रहता है या आप रहते हैं। कबीरदास कह रहा अर्थात हमेशा समर्पण भाव रहना चाहिए, दूसरों को देखकर ईर्ष्या भाव दिखाना, दूसरों को देखकर अहंकार भाव दिखाना जिसके अंदर तब तक रहेगा तब तक वो सही मनुष्य नहीं कहलाएगा। पहले बुजुर्ग कहते हैं कि सबसे पहले झुकना सीखो और बाद में सामने वालों को झुकाना सीखो। जब तक आप झुकेंगे नहीं तब तक कभी नहीं पता चलेगा कि सामने वालों को कैसे झुकाना है। इसलिए पहले समर्पण भाव व्यक्त करो। बच्चे से भी आप किसी काम को करवाना है तो पहले प्यार दिखाओ, विश्वास मिलो, उसके बाद जो भी काम बोलेंगे वो बच्चा करेगा, वरना कभी नहीं करेगा। गुस्से से, मारपीट से किसी को भी हम वश में नहीं कर सकते। वश में करना है तो सिर्फ प्यार और विश्वास से। तो ये साथ में दोहे में हो गया। नेक्स्ट आठवां दोहा क्या कह रहा है देखिए, ये एक तरह से सभी फिल्मों में या सभी जगहों पर हमने सुन चुके हैं, काल कराए सो आज कर, आज कराए सो अब, पल में प्रणय होवेगा बहुरी करेगा तब। तो यहाँ पे कबीरदास जी काम की बात कर रहे हैं, जो आपको सौंपा गया है उस काम की बातें कर रहे हैं, जो आपके एक तरह से करने का भाव है वो कभी आगे टालने वाली नहीं होनी चाहिए। आज का काम आज ही करके निपटाना है और आज का काम अगर कल के लिए रखेंगे और कल का काम परसों के लिए रखेंगे तो कभी आप तरक्की नहीं पा पाएंगे और ना ही आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए काल करे सो आज कर और आज करे सो अभी। मैं उदाहरण देता हूं कि यहाँ पे अभी सेकेंड ईयर के कुछ छात्र आए हुए थे मेरे पास और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया, सर इतने सारे पार्ट आपने खत्म कर दिया है, हमें लिखना पॉसिबल नहीं हो रहा है, उसमें से थोड़ा सा कम कर दीजिए, हम आराम से लिखकर दिखा देंगे। अर्थात उन्होंने सही टाइम पर सही वर्क नहीं किया है इसलिए आकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जो व्यक्ति सही टाइम पर सही वर्क करके आए हैं उन्होंने कभी आकर रिक्वेस्ट नहीं किया कि हमें टाइम दीजिए, क्योंकि वो आलसी नहीं है। जो टाइम मांगता है उसके अंदर आलस्य भाव होता है। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि पल में प्रणय हो जाएगा, अर्थात आंख बंद करके पलक झपकाना कहते हैं उसको, आंख बंद करके खोलने के अंदर ही प्रणय हो सकता है, इतने छोटे से क्षण में प्रणय हो सकता है। तो तुम कल की या आने वाले कल की भावना में या उसके विश्वास में क्यों बैठे हो अपने काम को लेकर? जब प्रणय आ जाएगा तो कब करेगा? तो कुछ लोग कहते हैं कल मकान बना लूंगा, कल मैं पैसा कमा लूंगा, कल मैं नौकरी पा लूंगा, कल मैं कुछ और कर लूंगा। लेकिन कल तुम्हारा समय आएगा तब ना, किसको पता? आज मैं दिख रहा हूं, कल मेरी फोटो लग रही तो किसको पता? भगवान की जो शक्ति है वो किसी के काबू में नहीं है। वो चाहे तो 100 साल की जिंदगी दे सकता है, चाहे अभी इसी वक्त किसी को उठा सकता है। इसलिए उसके विरुद्ध दिशा में मत जाइए, प्रकृति के विरुद्ध दिशा में नहीं जाना है। तो यहाँ पे जो काम आपको सौंपा गया है उसको अभी और आज ही करके निपटा देना है, कल करके उसको डालना नहीं है। तो यहाँ पे आगे के दोहे हम देखेंगे। तो आगे के दोहे देखिए, आखिरी दो दोहे यहाँ पे। तो कबीरदास जी
नौवे दोहे में कह रहे हैं, दुख में सुमिरन सब करई, सुख में करई ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। तो यहां पे मैं एक तरह से कहूंगा, जब आपको कोई दुख घेरता है या दुख के मन समंजस में पड़ते हैं, एक तरह से आप भगवान की भी याद करते हैं, भगवान की भी आराधना करते हैं और आस पड़ोस के सभी लोगों के साथ आप अपना दुख को बांटते हैं। लेकिन यहाँ पे कबीरदास कह रहे हैं, जब सुख आता है, जब आपके पास सुख आता है, ना आपको भगवान याद आता है, ना ही आस पड़ोस के लोग या आपकी कोई संबंधी। यहाँ पे वही बताने का प्रयत्न कर रहा है कबीरदास, पूछ रहा है दुख में सब लोग भगवान को याद करते हैं लेकिन सुख में क्यों नहीं करते। जब कोई मनुष्य दुख और सुख दोनों में भी, अर्थात जो सुख में भी सुमिरन करे, अर्थात जो सुख में भी भगवान की याद करे, उसको दुख आएगा ही नहीं, कभी दुख घेरेगा ही नहीं। एक तरह से मनुष्य हमेशा खुश रहेगा, हमेशा सुखी रहेगा। एक तरह से, इस प्रकार से जो सच्चा भक्त होता है ना, वो भगवान की तरह से आस्था में डूबा रहता है कि हर एक संकट में भी वो भगवान को याद करता है, सुख में भी याद करता है, इसलिए उसको दुख समझ में नहीं आता कि वो दुख आ गया है, क्योंकि उसने सही तरह से दोनों सुख और दुख दोनों विचारों में भगवान को याद किया, भगवान की आराधना की, इसलिए उसको दुख भी सुख की तरह लग गया। तो यहाँ पे कबीरदास ने इस तरह से इस दोहे में समझाया। आगे देखिए लास्ट दोहा क्या कह रहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहें दो म्यान। तो यहाँ पे मैं दो शब्दों की तुलना करना चाहूंगा, तलवार और म्यान। तलवार तो आप जानते हैं जिससे युद्ध किया जाता है, तो यहाँ पे म्यान क्या है उसकी बात करना चाहूंगा, जिस के अंदर तलवार रखी जाती है सुरक्षा के लिए, अर्थात किसी को उसकी धार ना लगे और आराम से तलवार को धारण कर सके, कमर पर हो या हाथ में, उसको हम म्यान कहते हैं। तलवार को सुरक्षित तौर पर रखने के लिए, उसकी धार से बचने के लिए अपने आप। तो यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं, जो साधु है उसकी जाति से हमें कोई लाभ नहीं है, हमें लाभ है सिर्फ उसकी ज्ञान से, उसके अंदर रहने वाले ज्ञान से। और उसकी तुलना कर रहा है तलवार और म्यान। म्यान यहाँ पे जाति की तरह है और तलवार ज्ञान की तरह, हमें ज्ञान को प्रमुखता दिया है तो तलवार की प्रमुखता जानकर ही, क्योंकि हम युद्ध में जाते समय म्यान को लेकर नहीं जाते, अगर म्यान को लेकर जाकर तलवार ये लड़ाई करेंगे तो लड़ाई हम नहीं जीत सकते। हम लड़ाई जीत सकते हैं तो सिर्फ तलवार से ही। तो यहाँ पे ज्ञानी का तलवार क्या है, उसका ज्ञान, उसका ज्ञान ही। कुछ लोग कहते हैं लेखनी तलवार की तरह है, हम लेखनी से भी हर एक चीज को काट सकते हैं, अर्थात हर एक चीज को मिटा सकते हैं। तो लेखनी अर्थात ज्ञान ही है, इसलिए जाति अर्थात एक तरह से जो उसके अंदर जातिवाद का जो भाव है वो है साधु, एक तरह से ज्ञानी का जाति से कोई संबंध नहीं है, उसका संबंध है सिर्फ ज्ञान, वो हमें लेना है। और तलवार एक तरह से ज्ञान का काम कर रहा है, तो वहां पे जो मोल तलवार का है वही ज्ञान का है, एक तरह से ज्ञान जाति कहलाती है जिसका कोई मोल नहीं है। तो यहाँ पे हमने 10 दोहे पूरी तरह से जान लिए हैं, जितना मैंने बोला है वही काफी नहीं है, क्योंकि मैं कोई बड़ा पंडित तो नहीं हूं। आपको जहां से भी इससे हट के कोई ज्ञान मिलने वाला कोई भी किताब या पुस्तक मिलता है गैड को छोड़कर, हैं, उसको लीजिए, पढ़िए और इससे और बैठकर आप इसके मीनिंग को समझने का प्रयास कीजिए। मेरे बोले हुए शब्द अंतिम नहीं है, सर ने ऐसा ही बोला ऐसा ही लिखना है, क्योंकि मैंने कभी नहीं बोला, आप इससे हट कर भी लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ। तो पहला पद्य आपका मध्यकालीन युग का समाप्त हो गया है। तो कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।